सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो फाइनली अपने पास एक KTM RC आ रखी है, जो कि RC 200 cc है। इसको कंप्लीट रैप करना है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी है। किस हालत में है अभी KTM RC में दिखा देता हूँ। और अब जो लुक देने वाला हूँ वो कुछ में थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सो आ जाओ, करते हैं साथ में KTM RC मॉडिफाइड। आ जाओ। गाड़ी अपनी वही ओपन करते हैं, उसके बाद में वॉशिंग वगैरह करके रैप करेंगे। न्यू लुक देंगे उसमें। मैंने सोचा है क्रोम सिल्वर करेंगे, तो क्रोम सिल्वर के साथ ब्लैक लुक। तो पूरी गाड़ी ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कैसा लुक निकल के आएगा। कुछ ऐसी दिख रही है अभी गाड़ी। नेकेड भी अच्छी लगती है KTM RC, अगर हम उनकी स्वीट वीट लगा के और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके बढ़िया लगेगी। गाइस ये देखिए, आप यहाँ पे काम चल रहा है और भाई को लग रही भूख। ये जो भाई है ना, ये अभी अभी शवाद गेट पर एक कौवा बिरयानी वाला आया है, बहुत बढ़िया कौवा बिरयानी बेच रहा है और उसका लेग पीस जो थोड़ा बड़ा भी है। अरे 5 रुपये में क्या हाथी का लेग पीस मिलेगा? तो गाइस आप जाए वहाँ पे खाइए और भाई के अकाउंट से पैसे कटेंगे। ये फंस गया। A few moments later. गाड़ी पेंट को भेज रहे हैं, थोड़ा सा पाइप वगैरह पेंट कराते हैं, उसके बाद व्हील कराएंगे। इस पे अभी जरा पेंट जॉब को दिया है, अभी ओनली पाइप वगैरह पेंट कराएंगे और व्हील्स वगैरह अभी रुक के करेंगे, क्योंकि इसमें टायर भी पड़वाना है, बिग साइज के टायर इंस्टॉल करने हैं, उसके बाद व्हील पेंट करेंगे। कुछ ऐसा लुक निकल के आएगा अभी गाड़ी का। ये क्रोम सिल्वर है, ये ऑन ऑर्डर काम हो रहा है भाई का, कुछ खतरनाक दिखेगी भाई का। बहुत लुक देने के लिए अपन इसमें रिंग इंस्टॉल कर रहे हैं। मैकबुक कंपनी के 100 वाट के बल्ब लग रहे हैं, H11 रिंग लाइट लग गई, LED बल्ब लग गए हेडलाइट में, HGT के हॉर्न लग गए। इतना काम कंप्लीट हो चुका है, 40% काम तो हो ही गया। और बहुत से लोगों को ये था कि सारी बाइकों की वीडियो बनाओ, तो मैं ऐसा नहीं बना सकता क्योंकि मेरी शॉप पे बहुत सारे काम होते हैं। मैं दिखा दूँगा आपको कि मेरे पे क्लियर रेमिनेशन भी होती है, PPF भी होती है, टेपिंग भी होती है, हॉर्न्स हो, लाइट्स हो, हर चीज़ मैं करता हूँ अपनी शॉप पे, चाहे वो कार की हो चाहे वो बाइक की हो, हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। बट कुछ कुछ चीज़ें ही मैं दिखा सकता हूँ। सो अभी ये KTM का मन बहुत था, क्योंकि अभी जो रिसेंटली वीडियो डाला ड्यूक का, काफ़ी अच्छी रीच मिली, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, बहुत से लोगों के कॉल्स आए, फ़ोन्स आए, समझ में आया कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है कंटेंट। तो इसी बारे मैंने सोचा एक KTM आया है तो इसका भी वीडियो बना देता हूँ। सो देखते रहिए, बने रहिए। फाइनली टैंक रैप करते हैं, अब देखते हैं फिर कैसे दिखने वाला है टैंक। चेक कर जवानी जवा कहर दी कुड़े, चेक कर चोपरा ते आई, चेक कर चेहरी जेही अख ते कुड़े, चेक कर फेरेगा मोलाई, चेक कर टायर गिट्ठ बार नु कुड़े, चेक कर गड्डी दी चलाई, चेक कर उठ जा नाल खाती माड़ी, चेक कर। कभी भी गाइस आप अपनी बाइक पे कभी भी रैप कराओ या टेपिंग कराओ, तो कोशिश यही करना, कट मत लगवाना है, इसके जो भी एक्स्ट्रा पीस होता है उसको अंदर फोल्ड करवा देना। इससे ये फायदा रहेगा कि कोई बच्चा छुटाएगा नहीं और मजबूती काफी रहेगी इस चीज में।
KTM की प्रॉपर फिटिंग वाली टेल पत्ती है ये हम इसमें लगा रहे हैं। थोड़ा गाड़ी को बल्की लुक देने के लिए इसमें थोड़े से टायर चेंज करते हैं, बड़े से बिग साइज के थोड़े टायर लगाते हैं और पेंट भी करने हैं व्हील, तो देखते हैं कैसी लगने वाली है फिर गाड़ी। 150, 60, 8, 17, 140, 60 पड़ा हुआ था इसमें, पर अब हम डाल रहे हैं इसमें 150, 60। कुछ ऐसा लुक आ रहा है देख रहे हो। अगला वाला टायर अपन लोग स्टॉक वाला ही रख रहे हैं, जो स्टॉक साइज आता है, स्टॉक साइज 110-70 आता है, 8-17 वही साइज रख रहे हैं टायर रखिए, क्योंकि अगला ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए, हमेशा जो स्टॉक साइज है वही रखना चाहिए। और थोड़ा बहुत मैं तो कहूँगा रियर भी नहीं चेंज करना चाहिए, कहीं ना कहीं एवरेज, कहीं ना कहीं हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों से, तो बट कस्टमर की डिमांड है कि थोड़ा सा बल्कि रखना है उसको पिछला टायर, तो इस बारे एक नंबर बड़ा लगाया, तो देखते हैं लगाने के बाद कैसा लुक दे रही है गाड़ी। व्हील व्हील पेंट करते हैं, कुछ ऐसी दिख रही है अभी तो सिंपल सुट्टी। तो गाइस देख सकते हो कुछ ऐसा लुक निकल गया है यार गाड़ी का, मतलब व्हील से काफ़ी वीक लग रही थी, अब व्हील होने के बाद कुछ ऐसा लुक दे रही है ये, और अभी बहुत ही ख़तरनाक फील आने वाला है। इसके लिए एक दो स्टिकर सोचें, थोड़ी बहुत और करना है इसमें रैम वगैरह, फिर फाइनल लुक दिखाऊंगा कैसी लगेगी। बहुत ही ख़तरनाक लगने वाली है गाड़ी, बहुत ही मस्त, वन एंड ओनली रामपुर में होने वाली है इस टाइप की KTM RC। हमने कोई भी यही जगह पे स्प्रे पेंट यूज़ नहीं करा है, सब जगह 2K का जेनवन पेंट यूज़ करा है, चाहे वो मिरर्स हो, चाहे इसकी साइड लेगे हो, सब जगह आप देख सकते हो अलग ही फिनिशिंग में काम मिलेगा। ये इसका आगे वाला तो रैप है और पीछे वाला पेंट है, हर चीज़ में हमें 2K का रैप का, सॉरी 2K का पेंट करा है। तो जो चीज़ पेंट वाली थी वो हमने पेंट करी है, क्योंकि इस पर इधर रैप रुक नहीं सकता। बाकी कुछ लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी से स्प्रे पेंट लाते हैं 50-80 रुपए वाला और स्प्रे पेंट मार देते हैं, वो वाला अपना वर्क नहीं है, क्वालिटी देना है अपने को, तो जाहिर सी बात है और वन टाइम काम होता है गाड़ी में, तो इसलिए 2K का जेन्युइन मैट ब्लैक पेंट कराया है। ये देख सकते हो इसकी कुछ अलग ही फिनिशिंग दिख रही होगी आपको व्हील्स वगैरह पे। देने के लिए ब्राउन शेड में, डार्क ब्राउन में सीट कवर्स बनाए इसके, देख सकते हो ये डार्क ब्राउन कलर है, काफी क्रेजी लगेगा इस कलर में। दिल काली रात बुड़े ठोडी ते काला दिल जो पौंदा सी बात कुड़े, कखा दा करता नहीं तू मंगदा सी साथ कुड़े, आले चक लिखन लाता तेरी गरम हाथ कुड़े, टुटी है यद विच कार सोहनी है, टुटी है यद विच कार कुछ ऐसा ही गाड़ी दिख रही है अभी, प्रॉपर आपको कल दिखाएंगे कैसा दिख रहा है। लग नहीं रही है मैं KTM RC पे बैठा हूँ, बट काफी अच्छी फीलिंग आ रही है और थोड़ी बहुत दिखा देता हूँ, बाकी कल मॉर्निंग में आपको दिखाऊंगा प्रॉपर क्या क्या हमने कर दिया इसमें, कैसी लग रही है गाड़ी। ऐसी निकल के आई है गाइस देख सकते हो, हमने अब रिंग वगैरह सारी चीजें इसमें लगा दी है, थोड़ा ड्रैगन बॉल जी वाला लुक दे दिया, इधर से थोड़ा एक्सो वाला फील कर दिया, और प्रॉपर मैं आपको मॉर्निंग में ही दिखाऊंगा कैसी लगने वाली है गाड़ी। नेक्स्ट डे थोड़ी का गाड़ी को क्लीन वगैरह करते हैं और उसके बाद तैं 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 कंप्लीट दिखाते हैं कैसी लग रही है। सो फाइनली गाइस आप मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी लगने वाली है बाइक, प्रॉपर आपने प्रोसेस देखा ही होगा कि कैसा दिख रहा है, तो आ जाओ अब देखते हैं फाइनल लुक कैसा दिख रहा है KTM RC का। सो कुछ ऐसा निकल के आया है बेहतरीन।
सारी चीजें करी है मैंने, बहुत सारा मतलब 3 से 4 दिन लग गए इस गाड़ी को बनाने में, और कंप्लीट मॉडिफिकेशन हुई है, कुछ ऐसा चीपो वाला नहीं हुआ है। और पहले गाड़ी कैसी थी वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, दिख जाएगी स्क्रीन पे, थोड़ी ऑरेंज और ब्लैक जैसे स्टॉक गाड़ी आती है वैसी थी। और अब जो दिख रहा है ना कुछ अलग ही दिख रहा है कि कौन सा मॉडल हो गया, कौन सा कलर हो गया, तो मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने इसमें करा है। पहली बात तो हमने इसमें करा है क्रोम सिल्वर के साथ मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन, कहीं कहीं थोड़ा बहुत कार्बन फाइबर करा है, जैसे कि ये करा है स्मॉल वाला मड गार्ड करा है, नीचे इंजन गार्ड कार्बन फाइबर करा है, और ये कुछ ग्रे टाइप भी दिखता है रात को, और साइडों से आप देखोगे तो क्रोम सिल्वर का लुक देता है ये, तो कोई इसको सिल्वर नहीं बोल सकता, ग्रे नहीं बोल सकता, ये क्रोम सिल्वर वाला शेड है। काफी खतरनाक फील आ रहा है, इसकी स्टीयरिंग हमने क्रोम और ब्लैक के साथ करी है। उसके बाद हमने इसमें टायर बिग साइज के डाले, देन इसमें HGG के हॉर्न लगाए जो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़े DRL में मॉडिफिकेशन करी है, और सामने से कुछ थोड़ा ड्रैगन बॉल Z वाला लुक दिया है तो देख सकते हो आप। और इसमें एक दो चीजें हमने हजार्ड लगाया है, टेल पत्ती लगाई है जो कि KTM की ओरिजिनल टेल पत्ती होती है, जो नट बोल्ट निकलते हैं उन्हीं नट बोल्टों पे फिट हो जाता है। इसी के साथ हजार्ड सिस्टम भी लगाया है, लाइट से भी लगी है, और टायर्स में हमने रेनबो रिफ्लेक्टर लगाए जो कि रात में कुछ खतरनाक लुक दे रहे हैं। एक चीज और, हमने ये ब्राउन शेड के सीट कवर्स दिए हैं जो कि प्रॉपर ओरिजिनल फिटमेंट में, आप देख सकते हो इस ब्राउन कलर से भी काफी लुक अटैच हो रहा है इसका, और कुछ ऐसी निकल के आती है गाड़ी यार, मेरे हिसाब से तो बहुत एक नंबर लग रही है, और आपके हिसाब से भी मुझे बता देना कैसी लग रही है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बाइक वाला पेज है और इस पे थोड़े से फैमिली फंक्शंस की वीडियोस आ रही हैं, ऐसा आ रहा है, तो गाइस ऐसा है ना कि जो मेरे दोस्त हैं वो चाहते हैं मैं अपनी बाइक का काम दिखाऊं, कार का काम दिखाऊं, और जो मेरी फैमिली है वो चाहती है मैं अपनी डेली लाइफ दिखाऊं, तो मैं दोनों चीजें इसी पेज पे दिखाता हूं, मैं और मेरा काम दोनों एक साथ, तो जिसको जो पसंद आए वो वाली वीडियो लाइक कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट बाइक की देखोगे तो आपको नॉलेज आएगी, मेरे घर की चीजें देखोगे तो थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाएगा। वही बात बोलना चाहूंगा, किसी को भी गाड़ी बनवानी है या मॉडिफिकेशन करानी है या PPF करानी है, क्लियर लेमिनेशन करानी है, तो वो सारी चीजें अपने पास अवेलेबल होती है, जो कि आपको पता ही है मेरी शॉप रामपुर UP में, रॉकेट पॉकेट बाइक मॉडिफिकेशन जोन। और कोई भी इंक्वायरी है या कुछ भी पूछना है, या फिर आप RX लवर है, अगर RX से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या है तो आप मेरे को DM कर सकते हैं। और KTM के लवर्स या फिर बाइकों के लवर या मेरे लवर जो भी लोग हैं, उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, इधर पास में आ जाओ, जियान है आप।